मॉर्निंग रोडीज, आशा करते हैं आपका स्टे पारो में काफी अच्छा रहा। तैयार हो जाइए आपके आज के टास्क के लिए। आपका पेयर बनाना है एक बॉय एक गर्ल, डिसाइड कीजिए आपके पार्टनर और जल्द से जल्द मुझे मिलिए। मेरा पार्टनर कौन होगा? आप एक को चूज करना पड़ेगा, तराशा या करिश्मा से कोई एक। स्क्रॉल में कहीं पे भी ये भी डिस्क्राइब नहीं किया गया था कि तुम्हें विद इन द गैंग चूज करना है या गैंग के बाहर जाके चूज करना है। खुद की गैंग में होता है तो निव्या, एंड इफ इट्स कंसीडर्ड फॉर द अदर गैंग तो फिर आई विल गो विद करिश्मा। दिव्या, तेरे पास 30 है ऑलरेडी, इतना सिंपल तो होगा नहीं क्योंकि आपका ऑलरेडी पेयर है। क्योंकि अकेला था तो मैं बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहता था कि कौन मेरे साथ जाए। So, तीन बंदे तेरे पास, एक तो चूज करना ही पड़ेगा तुझे। तो सबसे पहले ये रूबल पर तेरा दिमाग जाता है, स्तीश पर जाता है कि बलराज पर जाता है, ये मुझे बता। बलराज। ऐसे नहीं, सच में दिल को पूछ के बता। दिल को पूछ के बता। पहले मेरे पैर मेरी है। हाँ बलराज। पक्की बात है। पक्का। टक दे फटे। फाइनली हम लोग सब रेडी होके टास्क लोकेशन के लिए निकले। जैसे ही टास्क लोकेशन में पहुंचते हैं, देखने में बड़ा डरावना लग रहा है कि ये कहाँ है। ये सब पूरा माहौल सा हो रहा है, धूल उड़ रही है, इतने सारे कब्र बने। डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था पता नहीं अभी यहाँ पे कौन से भूत बुलाने वाले हैं और किसकी मौत होने वाली, किसको दबाएंगे। मैं लाइफ में कभी ग्रेवयार्ड में नहीं गया, अब जाके इस स्टेज के ऊपर कब्रिस्तान सामने देखने को मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था। So welcome to RemTV Rodi's X4, your gang, your glory. जहाँ जीतने वाले रोडी को मिलेगी अपने गैंग की रेनो डस्टर। Alright guys, आज सुबह मैंने आपके लिए एक स्क्रोल भेजा था और उसमें मैंने कहा कि वो आपको पेयर्स बनाने थे, एक लड़का एक लड़की। आपने बना लिए? Yes. शुरुआत करते हैं बलराज से। दिव्या, आप और दिव्या जी। रूबल, तराशा, अनामिका, सतीश, करिश्मा। जस्ट अ सेकंड। नहीं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? स्क्रॉल के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि अपनी गैंग में से पार्टनर बनाने या दूसरी गैंग में से बनाने। If it was कि अपनी गैंग में से you have to choose the partner, तो हमने ये choose किया था कि हम अपनी खुद के partner ही choose करेंगे। But at last ऐसा लगा कि दूसरे गैंग में से तुम्हें choose करना है, तो these were the decisions। पर उस वक्त specify किया था कि नहीं? नहीं, उसमें कुछ भी specify नहीं किया था। मैंने decide किया था दिव्या। और दिव्या ने भी हाँ कर दी थी, right? दिव्या ने हाँ की थी। वैसे मुझे तो कर चुकी है पहले, और अभी दिव्या को पूछ रहा हूँ स्तीश के साथ जाना है कि मेरे साथ जाना है। ये चेंज करना चाहती है, कर सकती है, क्योंकि ये इसका दिल मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं इसके साथ टास्क नहीं करूँगा। जब बलराज ने दिव्या को नेक्स्ट टास्क करने के लिए मनाया, तो जब नेहा को ये पता चला तो नेहा की शक्ल देखने वाली थी, वो गुस्सा हो गई दिव्या पे इतना ज़्यादा कि दिव्या डर गई और उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो वो जो चॉइसेस थे वो दोबारा करने पड़े। तो आपको किसके साथ जोड़ी बनाना है? सतीश, दिव्या। दिव्या आइडली आप? यस सतीश। ओके फाइन। दिव्या ने जो डिसीजन लिया उसको मैं धोखे पाई बोलूंगा, क्योंकि उसने मुझे पहले क्लियर किया था कि कोई चूज करना होगा तो पहला नाम आपका आएगा। करिश्मा इज ऑलरेडी रीच सेमीफाइनल्स, आई थिंक शी विल हेल्प बलराज। मुझे थोड़ा सा था कि करिश्मा के साथ जाना प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे लगा नहीं कि अच्छा कर पाएगी। तेरा दिल है, तुझे लगता है कि हम दोनों फाड़ सकते हैं सभी की, पूरा साथ देगी ना? बिल्कुल, मैं भी तेरा दूंगा। दैट्स इट, अभी मेरा क्लियर है तेरे साथ। ऑलराइट, सतीश और दिव्या एंड बलराज एंड करिश्मा। बलराज के हाथ में कौन है? करिश्मा। यू नो वो बेगर्स एंड नॉट चूजर्स वाली सिचुएशन आ गई।
चलिए आपको टास्क बताने से पहले I have a question to ask you all. Has anyone out here had a life-threatening moment? कभी मौत से मुलाकात हुई है? You know what's my biggest nightmare? Being buried alive. And today, my nightmare is going to be your reality. आपके पैर में से फीमेल रोडी होगी कॉफिन के अंदर. आज तक तो मैंने मुर्दों को देखा है कॉफिन के अंदर जाते हुए. पहली बार मैं कॉफिन का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि मरने के बाद कैसा लगता है. मतलब इट वाज वेरी स्केरी. ये कॉफिन होगा 6 फीट डीप जमीन के नीचे गढ़ा हुआ. ऊपर से हम मिट्टी से इसे कम्प्लीटली ढकने वाले हैं. बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, आपका पार्टनर. मेरे पीछे है 14 टूमस्टोन्स. इन 14 टूमस्टोन्स में से किसी एक टूमस्टोन के नीचे होगा आपका कॉफिन. आपको दफन करने से पहले हम आपको देंगे 3 एनवेलोप्स. इन 3 एनवेलोप्स में है 3 पहेलियां. पीछे लगे इन टूमस्टोन्स पे है इन पहेलियों के आंसर ऑप्शंस. जैसे जैसे आप इन पहेलियों को सॉल्व करते जाएंगे वैसे ही आप अपने पार्टनर के कॉफिन के ऊपर पहुंच जाएंगे. यार अगर सतीश उसको पहेलियों को नहीं सुलझा पाया तो मैं तो कब्र में बंद रह जाऊंगी और मैं तो तभी मर जाऊंगी. मैंने कहा यार ये क्या है. आपको अपने पार्टनर को पूरी तरीके से डिग आउट करके कॉफिन के बाहर निकालना है और जमीन पर पहुंचाना है. जो भी इस टास्क को सबसे कम समय में करता है वही जीत जाएगा आज का टास्क. और वो दोनों पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल्स में. आज होने वाला है रोडीज का सबसे फाड़ू टास्क. अगर अनफॉर्चुनेटली आप इस टास्क में फोर्थ आते हैं आप जाएंगे सीधा घर यहीं से. मैं अनामिका की तरफ देख रहा हूँ. यार मैं तो कर लूंगा. अगर अनामिका ने गिव अप कर दिया ना तो मैं गया. मुझे ये टास्क जीतना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए भी और मेरे गैंग लीडर के लिए भी. ये है आपके 3 क्लूज. दूसरा पैर आगे. जब टास्क स्टार्ट होता है मैं कब्र में बंद हो जाती हूँ. ऊपर से मेरी मिट्टी आ जाती है. तो मेरे को ये था कि यार अब तो बंद हो चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है निकलने का. तेरे को सिर्फ सतीश ही निकाल पाएगा. हाय सतीश. हेलो मैम. व्हाट्स अप? बस इंतजार कर रहा था मैं चांस का. चलो आपको पता है आपको क्या करना है. यस मैम. डर है ठीक है यार, लेकिन कहते हैं जब मजा भी उस समय आता है. दिव्या. यस मैम. आपका वक्त शुरू होता है. गो दिव्या. टास्क स्टार्ट होते ही मैंने दिव्या से कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट किया. मैंने दिव्या को बोला धीरे धीरे तू पहली पढ़. मैं तुम्हारे आस पास हूँ पर दिखती नहीं. मुझसे बचकर कहाँ तक भाग पाओगे? आज कल या परसों बाद कभी तो पकड़े जाओगे. शल खोपड़ी. कभी तो पकड़े जाओगे. पानी पकड़े जाओगे. ये डार्कनेस हो सकता है दिव्या. डार्कनेस. और कोई ऑप्शन? फियर. एक सेकंड. डेथ हो सकता है. डेथ बहुत भी कभी भी आती है. हाँ हो सकता है. ठीक है मैं खोद रहा हूँ मौत को. हाँ खोद. कम ऑन सतीश कम ऑन. गुड कुछ मिला? ऑलराइट ओके. यस फावड़ा मिल गया. फावड़ा मिलते ही मैंने फिर चिल्लाया दिव्या को. दिव्या दूसरा एनवेलप खोल और दूसरी पहेली पढ़. ना छोटी ना बड़ी, ना गीली ना सूखी, ना गोरी ना काली, अगर करना है मेरा अंत तो करना पड़ेगा मुझसे भंग. काफी है एक ताली. खोपड़ी. स्कल. मैं छोटी ना बड़ी, काली ना गोरी होती यार वो तो. विंड. एक भंग और एक ताली. जब दोनों वर्ड मेरे सामने नजर आए
तो मैंने कहा सतीश, अरे ताली साइलेंस 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 करना पड़ेगा, बंद ताली, और चल लगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन सतीश, कम ऑन, तू यहां से घर नहीं जाएगा, और फास्ट फास्ट। मेरा फाउडर कुछ है? हां है, मिला ना? हां मिला, कम ऑन कम ऑन, निकालो उसको। ओके, गुड जॉब गुड जॉब। ब्लैक बॉक्स के अंदर थी एक चाबी, उस चाबी को फटाफट मैंने जेब में डाली कि यार ये कहीं गिर ना जाए गलती से। जेब में डालने के बाद मैंने उसको बोला कि तू तीसरी पहरी पर। जो बनाता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, जो खरीदता है वो इस्तेमाल नहीं करता, जो इस्तेमाल करता है वो ना इसे देख सकता है ना ही महसूस कर सकता है, क्या है वो? मैं फिर से मैंने 10-15 सेकंड लिए कि तीसरी पहेली के अंदर दिव्या गड़ी हुई है, सो उसको सही सॉल्व कर लिया, टास्क वहीं पे खत्म हो जाएगा। कम ऑन सतीश, कम ऑन। पेन पेन। जो खरीदता है इस्तेमाल करता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता। पेन तो महसूस होता है यार। सुनो, पहले ढंग से सुनो और फिर अपने ऑप्शंस देखो। दोबारा बोल यार। जो बनाता है वो जरूरत नहीं होती, उसको जरूरत नहीं पड़ती, जो खरीदता है वो इस्तेमाल नहीं करता, जो इस्तेमाल करता है वो ना इसे देख सकता है ना ही महसूस कर सकता है, तो सोच। कम ऑन सतीश, कम ऑन। बनाता है। अरे कॉफिन, कॉफिन। हाँ हो सकता है, वो मेरे कफिन के ऊपर चढ़ गया था। सतीश, तू मेरे कफिन के ऊपर खड़ा हुआ है, खोद इसको। तो फाड़ दे इसको, मैं इसी के अंदर हूँ। सतीश कम ऑन, सेमीफाइनल, कम ऑन कम ऑन। फिर आए कुछ फट्टे बीच में और फट्टों को बहुत ज्यादा नीचे गाड़ रखा था कि उसको निकालने में तुम्हारी बहुत जान लगेगी। वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फाड़ दे, यू कैन डू इट, सांस मत ले आज, आज सांस मत ले, छोड़ दे। वेरी गुड सतीश, वेरी गुड, मेरे को निकाल, कम ऑन निकाल, तकना नहीं है, मेरे को सांस नहीं आ रहा। मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया कि इस पहले फट्टे में इसका दिव्या निकल पाएगी, लेकिन उसके बाद भी गैप बहुत कम था। मैंने ताला खोलना स्टार्ट किया जो कॉफिन के ऊपर बंधा हुआ था, अब वो ताला नहीं खुल रहा और मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे। छोड़ दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो, कम ऑन, कॉफिन को खोल दे, कॉफिन को खोल दे। दिव्या तुम्हारे दोनों पैर जमीन पे होने चाहिए, फिर ही तुम्हारा टाइम स्टॉप होगा, निकलो, कम ऑन। कम से कम मेरे 15 सेकंड उस ताले खोलने को लग गए और ताला खोलने के बाद सीधा कॉफी निकाला, कॉफी में से दिव्या बहुत ज्यादा खुशी से निकली, ये शी वाज वेरी हैप्पी। यस, मुझे तो पता था मैं कवर खोद के उसको जल्दी से जल्दी निकाल ही लूंगा, क्योंकि सेमीफाइनल में जाना है यार, करना पड़ेगा। अगर अनामिका ने गिव अप कर दिया ना तो मैं गया। ऑलराइट अनामिका, आपका टास्क शुरू होता है। ना छोटा ना बड़ा, ना गीली ना सूखी, ना गोरी ना काली, अगर करना है मेरा अंत तो करना पड़ेगा मुझे भंग, काफी है एक ताली। समझ आया? हाँ, एक वर्ड था कि जिसमें बोला गया था कि ताली से इसको खत्म किया जा सकता है, फिर मैंने देखा सामने। हाँ। ओ! सन्नाटा, साइलेंस, ताली से यही खत्म हो सकता है। वेरी गुड नवी, वेरी गुड, गुड स्पीड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। खुद ही रहो, और बीच में से निकला एक फाफड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तुम्हें अपना पहला क्लू मिल गया। अनामिका, मैं कम हूँ तो मजा है, मैं ज्यादा हूँ तो सजा है, मैं ना हूँ तो दुआ है, मुझसे दोस्ती में फायदा है, मुझसे डरने में क्या रखा है। मैं सोच रहा हूँ किस चीज से दोस्ती में मजा है, और मैंने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई, कभी पानी देख रहा हूँ कि अगर पानी ज्यादा हो जाए हम डूब सकते हैं,
कम हो जाए तो मजा है, मतलब दिमाग घुमा पड़ा कि क्या है क्या नहीं है। मुझसे दोस्ती में फायदा है, मुझसे डरने में क्या रखा है। मुझे फिर फील हुआ कि हाँ नहीं ये पी नहीं है, तो आधा खोदा हुआ मैं दोबारा से खोदना शुरू कर दिया। Come on, very good! उसमें से एक डब्बा निकला और मैंने डब्बे को खोला। क्या है उसमें? चाबी। चलो रखो चाबी को। इस घर की चाबी मिल जाए यह हम सबकी इच्छा है, पर मिलती उसी को है जो जीवन में सच्चा है। बुरा ना पाए चाबी को, बुरा ना पाए दरवाजा। इसका आंसर मेरे को एकदम से सामने नजर आ रहा था, हेवन जन्नत, कि जो जीवन में सच्चा है उसको जन्नत मिलती है। तो उसको मैंने बिना टाइम लिए खोदना शुरू कर दिया। रवि, हाँ तू कहीं मेरे पास ही है? हाँ तू मेरे पास ही है रवि। आई कैन हियर यू। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ रवि, जल्दी हाथ चलाओ, टाइम निकला जा रहा है। कम ऑन रवि, फाइनल्स में जाना है कि नहीं? कम ऑन रवि, कम ऑन। टू मच टाइम रवि, टू मच टाइम, यू आर टेकिंग टू मच टाइम रवि, जल्दी। मुझे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, मैंने हाथों से कवर को खोदना शुरू कर दिया क्योंकि फावड़ा मेरे से चलाया नहीं जा रहा था। किनारे के इतने नजदीक होकर तुम्हें घर जाना है? नहीं नहीं, तो चलो जल्दी कर, चलो चलो, कम ऑन। वेरी गुड रवि, कम ऑन। मैंने फट्टे का कॉर्नर ढूंढा और उसमें फावड़ा फसाया। यस यस, वेरी गुड, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। और पहला फट्टा उठा के बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद मैंने देखा कि अंदर कुछ नजर आ रहा है। अब स्पीड बढ़ाओ, चलो अब स्पीड बढ़ाओ। मुझे अंदर एक ताबूत नजर आ रहा था, तो फिर मैंने ताबूत में देखा कि जंजीरें बंधी हुई हैं और ताला लगा हुआ है। come on, come on, come on, come on, come on, yeah, come on, Anamika, get out, get out, दोनों बाहर, दोनों बाहर। मेरे दिमाग में आ रहा था कि हाँ यार ठीक है, पहेलियां बूझने में मैंने टाइम लगाया है, पर फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया। राइट करिश्मा, आप जाएंगे अपने कॉफिन के अंदर और हम आपको जिंदा दफनाएंगे। शुरू होने से पहले रुबल भैया वो मेरे को आके बोलते हैं कि तू ना जल्दी गिव अप कर दियो, हम नहीं चाहते कि वो जीते। करिश्मा ऑलरेडी सेमीफाइनल में है, मैं नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ, प्रे करता हूँ गॉड से कि वो उसके माइंड में ये एक मिनट के लिए ना आए कि मैं तो सेफ हूँ, बराज जाता रह जाता है। मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि चीटिंग करके जीतने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ही होती है। मैं अपना 100% दूंगी चाहे वो दूसरी गैंग का बंदा क्यों ना हो। तो बलराज जी, इन 14 टोमस्टोन्स में से किसी एक टूमस्टोन के नीचे है करिश्मा। करिश्मा? हाँ जी। आप अपने ब्लाइंडफोल्ड को उतार सकती हैं? ओके। मैंने उतार दिया। तो जैसे ही मैंने आंखों की पट्टी दिखाई तो मैं देखती हूँ कि मैं एक छोटे से डब्बे के अंदर बंद हूँ। बलराज जी। करिश्मा? यस। आपका टास्क शुरू होता है अब। करिश्मा बता क्या लिखा है? इसमें लिखा है, मैं तुम्हारे आसपास हूँ पर दिखती नहीं, मुझसे बचकर कहाँ तक भाग पाओगे, आज कल या परसों बाद कभी तो पकड़ जाओगे। मेरा दिमाग लगाना शुरू था क्या है, और मेरा पहला माइंड में यह आया था मौत ही हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीज तुम जो दिखती रही है मौत ही है। करिश्मा तुझे क्या लगता है, मौत हो सकती है? मुझे लगता है हवा होगी। करिश्मा हवा हमेशा हमारे साथ रहती है। मैं तो दिखती तो नहीं है ना, मौत भी नहीं दिखती। थोड़ा कन्फ्यूजन था, पर मुझे लगा कि हवा तो मेरे साथ रहती है हमेशा, मौत ये कभी भी आ सकती है। फिर दिल का क्या बोलता है? आज कल या बरसों बाद कभी तो पकड़े जाओगे, शायद मौत ही होगी। मौत है? हाँ। चलो बलराज क्विक क्विक क्विक, जो भी करना है जल्दी करना है। और मुझे कवर खोलता हूँ फास्ट फास्ट, मुझे मेरे हाथ में कुछ लगता है, इसको हिंदी में फावड़ा बोलते हैं, हमारे पंजाबी में कई बोलते हैं। यस कृष्ण, सेकंड वन इज क्या है? सेकंड सेकंड बोल।
ना तुम मुझे देख सकते हो, ना सूं सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, ना सुन सकते हो, फिर भी करते हो मुझसे मुलाकात हर रात। फिर बोल। ये अंधेरा है अंधेरा। तो जब रात की बात आ जाती है तो मैं एकदम पकड़ लिया कि पक्की बात है, ये अंधेरा ही है। अंधेरा अंधेरा। पक्की बात है? हाँ पक्की बात। दिमाग काम कर रहे हैं? हाँ। अंधेरा। मैं कंफ्यूज था, अंधेरा ही होगा। मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि मैं गलत डिसीजन ले लूं, तो मैं गलत जगह जाके रॉन्ग प्लेस पे जाके खोदना शुरू करूं और मेरा टाइम खराब। चलिए चलिए चलिए, कम ऑन। अंधेरे को मैंने खोजना शुरू कर दिया और विश्वास के साथ खोजना शुरू किया और मुझे वहां जाके एक बॉक्स मिलता है। ब्रिलियंट जॉब, ब्रिलियंट जॉब। चलिए खोलो 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 उसको, क्या है उसमें? तो ऊपर तो उस पे टेप लगी होती है, मैं खोलता हूँ, उसमें एक की होती है। चाबी है यहाँ इसमें। तीसरा बता क्या लिखा है? तीसरा बताऊँ? अच्छा, वेरी गुड, गुड गोइंग गाइस। कभी देख पाती थी सब मेरी आंखें काली काली, कभी मुझ में भी भरे थे ख्याल, पर आज मैं हूँ बिल्कुल खाली। खोपड़ी, चश्मा दो बजते हैं, एक खोपड़ी है, दूसरा कफन है। इसमें तेरा दिल क्या बोल रहा है? वो था, कभी मुझ में भी भरे थे ख्याल, पर आज मैं हूँ बिल्कुल खाली। खोपड़ी होगी ये। खोपड़ी को रब चलो, चलो, चलो 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 जल्दी, टाइम निकला जा रहा है। बलराज इतनी परसेंट दिमाग मेरा बिलीव कर रहा था कि ये खोपड़ी ही है, तो मैंने अपने आप पे बिलीव किया और जो कबर थी स्कल वाली उसको खोजना शुरू कर दिया। कृष्णा की आवाज आ जाती है, यही है यही है यही। जब ये बोलती है ना, उस समय मैं समझ आता हूँ कि लिया आधी गेम तो सॉल्व है, अभी देख के आओ। चलो चलो कम ऑन बजराज, जल्दी हाथ चलाओ। बहुत बढ़िया बजराज पाजी, शाबाश, वेरी गुड बजराज, हाथ चलाओ हाथ चलाओ। मैंने सोचा था यही 10 मिनट है भाई तेरे पास जो तुझे सेमीफाइनल में पहुंचा सकते हैं, और यही 10 मिनट है जो तेरे घर पहुंचा सकते हैं। पूरी जान लगा दो अपनी। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। और मैंने जो नोक थी ना वो फावड़े की, वो फट्टे के घुसा दी, फट्टा पकड़ा और उठाया और फेंका। जब फेंका तो बड़ी अच्छी फीलिंग आई, नीचे मुझे कुछ दिख गया था। फट्टे को हाथ से निकालना है। वेरी गुड, ब्रिलियंट, कम ऑन बजराज, कम ऑन। बहुत बढ़िया, यस यस यस, वेरी गुड, गुड जॉब पाजी, बहुत बढ़िया। बोलो जल्दी निकालो मुझे बाहर। जब नीचे पहुंचता हूँ वहाँ एक ताला लगा होता है कॉफिन के ऊपर। अभी दिमाग में आता है वो चाबी किस काम के लिए। खोलो खोलो उसको, खोलो खोलो उसको बलराज। खुल गया कृष्णा, खुल गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बलराज बाजी। करिश्मा को और आपको पूरी तरह से जमीन पर आना है, सिर्फ तब आपका टाइम स्टॉप होगा। पूरी तरह से जमीन पे आना है, ऊपर आना आपको दोनों को। कम ऑन करिश्मा। जब ऊपर जमीन पे आता हूँ और हमारा टास्क फिनिश होता है, उस समय मैं थैंक्स करता हूँ गॉड का, हे रब्बा आज बचा लिया तू, थैंक यू। और कृष्णा का इतना शुक्रगुजार हूँ, मुझे कृष्णा भी और अभी दिख रहा था, किस लड़की ने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। अकेले पैर थे कि अगर हम दोनों फोर्थ आते तो हम घर हैं सीधा, मतलब कोई चांस ही नहीं है, तो हम डरे हुए थे। आराम से पराशा। हेलो। हाँ। अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाल दो। निकाल दिया। ओके, आपका वक्त शुरू होता है अब। बोलो तो। पहला रिडल है, जो बनाता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, जो खरीदता है वो इस्तेमाल नहीं करता, जो इस्तेमाल करता है वो ना इसे देख सकता है ना ही महसूस कर सकता है, क्या है वो? मौत, 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 नर्क,
नर्क जो बना जो डर हवा 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 चलो चलो चेक करो सब चेक करो आकाश शिट यार कमान 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 बाप बनाता है क्या बनाता है कॉफिन हाँ कॉफिन 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 पहली पहली जो तराशा पड़ती है जो काफी आसान थी एक दो बार क्लिक करने पे मुझे आ गई चलो चलो खोलना शुरू करो कमान कमान रूबल भाई सेमीफाइनल कमान कमान रूबल वेरी गुड खोलो उसको खोलो क्या मिलेगा उसके अंदर देखो कुछ है नेक्स्ट नेक्स्ट मिल गया हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया चलो चलो क्विक गाइस क्विक मुझसे जितना भी भागोगे उतना ही पास आऊंगा डर डर सामना करोगे मेरा मैं गायब हो जाऊंगा डर मन मन का एक भाव हूँ कुछ नहीं बस धूप छाव हूँ हिम्मत हौसला मन में होता फिर नजर नहीं आऊंगा क्या है कुछ है क्या है उसमें क्या है उसमें खोलो खोलो कुछ है चाबी है चलो चलो जैसे ही मैंने मिट्टी हटाई उसमें एक बॉक्स था बॉक्स में एक की थी तो मुझे दो पहेलियां मैंने बहुत जल्दी सॉल्व कर दी चाबी हो गया हाँ नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर में हाँ यस जीते जीते जी भरे द्वार कभी न खुल पाओगे पर अंत में पाप की सारी कमाई यही आओगे हेल 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 मुझे फील हो रहा था कि ना ऊपर कुछ है कुछ चल रहा है तो मैंने चिल्लाने की हाँ रूबल भाई मैं नीचे नीचे खोदो 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 कम ऑन रूबल भाई चलो कॉर्नर ढूंढने की कोशिश करो और उठाने की कोशिश करो कम ऑन वेरी गुड सारे जो फट्टे लगे थे वो खोल देता हूँ जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ नीचे उतरते मैं एक लॉक देखता हूँ लॉक देखता तो मेरे मुंह से निकलता है ओ शिट वो चाबी कहाँ है चाबी कहाँ है रुबल चाबी कहाँ है? Then he's like उत्तरी या तो ताला है चाबी कहाँ गई? And I was like क्या? जाओ जाओ ढूंढो जल्दी से come on ढूंढने की कोशिश करो। चाबी मेरे हाथ से कहीं गिर गई थी। मैं उसे पागलों की तरह रोटा इधर उधर देखा पिछली कब्र पे देखा। Time निकला जा रहा है come on you can't finish this last। अभी मुझे पता ही नहीं चला जल्दबाजी में चाबी गिर कहाँ गई? 5 मिनट है तुम्हारे पास make these 5 minutes count. टाइम वॉज टिकिंग फिर धीरे धीरे आई स्टार्ट गेटिंग स्कैर्ड कि यू नो हम हार रहे हैं ये टास्क जा रहा है हमारे हाथ से क्योंकि हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे तो मतलब ही नहीं है टास्क जीतने का एक बार चाबी हाथ लगी तो बस काम हो जाएगा तुम्हारा कम ऑन भाई मैंने खूब मिट्टी को इधर से उधर हाथों से फावड़े से पलटा सारे फट्टे फेंके इधर उधर घूमा देखा लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप हमने टास्क भी नहीं कंप्लीट किया तराशा वगैरह डुप्लीकेट की हम आपको बाहर निकाल रहे हैं उनको नहीं मिली अब उसका कोई रीजन एक्सक्यूज है नहीं लापरवाही थी हो गई गलती सबसे जल्दी करने के चक्कर में वो जब फावड़ा यूज किया तो शायद वो चाबी मेरे हाथ से कहीं गिर गई या पॉकेट से कहीं गिर गई क्योंकि चाबी बहुत छोटी थी चाबी घुमा दी रणवीर सर मुझसे और तराशा से नजरें मिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी नजरें नहीं मिली थी क्योंकि एक छोटी सी गलती से हम इस स्टेज पे खड़े थे वेलकम बैक गैंग लीडर्स विनिंग जोड़ी और लूजिंग जोड़ी के बीच का टाइम डिफरेंस 20 मिनट्स का था क्योंकि जो आखिरी आए हैं उन्होंने टास्क कंप्लीट ही नहीं किया कि चाबी मिलने पर उन्होंने चाबी गुमा दी जिसकी वजह से कॉफिन नहीं खुला और टाइम खत्म हो गया और इन चारों में से वो जोड़ी है रूबल और तराशा शिट इस पॉइंट पर आके तुमने चाबी गुमा दी यार फिर तो मतलब गलत शो पे आए हैं मेरे माइंड में कहीं ना कहीं होप आ जाती है मैं यही मेरे लिए गड्ढे खोदता था बंदा
आज यही गया। कंप्लीट भी नहीं हुआ? तेरी पॉकेट में जिप है? चाबी कहाँ रखी थी? चाबी कहाँ? हाथ में थी। तुझे पता तेरे तू अकेले के लिए नहीं, तू तराशा के लिए भी खेल रहा था। I mean, अगर वो किसी और की गलती से जाते तो it would be different, but you know what, whatever goes up has to come down. बहुत हाई हॉर्स पे थे, आई थिंक कि सबसे स्ट्रॉन्ग गैंग है, तीन लोग पहुंच गए, एक ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, दो हैं बाकी, सो अगर बैलेंस नहीं होगा लाइफ में तो कुछ सीखोगे नहीं। रूबल, कुछ कहना है रणविजय से? सबसे पहले तो आई एम सॉरी सर। डोंट बी यार, इट्स ओके। और तराशा के लिए भी मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन तराशा के लिए और ज्यादा लग रहा है। आपसे ये कहना चाहूंगा सर, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहता था कि आप जीते, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ गई है। गौरव को गंदी पॉलिटिक्स से निकाला गया, यू नो, जिसमें गैंग लीडर्स इन्वॉल्व थे। मुझे मेक श्योर कराया जा रहा था बाकी तीनों से कि इसके स्ट्रॉन्ग पीपल को निकाल दो। ये तक कहा गया है कि टास्क हार जाओ। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। कर्मा इज अ बी, बट यू नो द बी बाइट्स रियली हार्ड। तराशा, रूबल, दिस इज द एंड ऑफ योर रोडीज X4 जर्नी। मैं तो जा ही रहा हूं अपनी गलती से, लेकिन मेरी वजह से तराशा भी जा रही है, तो मैं बहुत उदास था। इतनी पास आके घर जाना पड़ रहा है दोबारा, और दोबारा किसी और की वजह से। आई थिंक तराशा डिजर्व टू स्टे, बिकॉज़ चाबी जो घूमी है वो रूबल की वजह से घूमी, बट द फैक्ट कि तराशा के पास ऑप्शन था किसी को भी चूज करने का, बिकॉज तराशा चोज रूबल एंड रूबल लॉस्ट द की, तो भरपाई तो दोनों को करनी पड़ी। प्रिंस, नवदीश केप्ट कंप्लेनिंग ऑफ अ शोल्डर ट्रबल, खोदने में उन्होंने ज्यादा वक्त लगाया। आई थिंक तुम अभी जो रूबल गलती कर गया और जो तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ खड़े हो और कौन सी स्टेज में खड़े हो। दो दिन के बाद तुम्हारा फाइनल है, और अगर यहाँ पे आकर तुम्हारा शोल्डर और पैर दुख रहा है ना, तो तू भी सामान पैक कर और चला जा साथ में। चलिए, दिव्या और सतीश, आपने इस टास्क को पूरा किया है 12 मिनट में। नवदीश और अनामिका, 13 मिनट और 3 सेकंड्स में। बलराज और करिश्मा, आपने इस टास्क को कंप्लीट किया है 10 मिनट और 20 सेकंड्स में। इसका मतलब यह है कि बलराज ने और करिश्मा ने इस टास्क को सबसे पहले कंप्लीट किया है। मैंने कर्म सर की तरफ देखा तो बंदा ऐसा लग रहा था आज कोई अच्छी नींद सोएगा, क्योंकि तीनों गैंग मेंबर्स ने गंदी पॉलिटिक्स खेल के हमारी टीम को तोड़ दिया था। जब उसको मालूम पड़ा कि हम जीत गए हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहा था, अब आया मजा। करण, आई एम श्योर यू आर नॉट जस्ट रिलीव्ड बट वेरी वेरी हैप्पी राइट नाउ। मेरे वर्ड्स नहीं आ रहे, बिकॉज मैं पिछले 2-3 दिन से इतना स्ट्रेस में था, इतना मैं डाउन हो चुका था, बट थैंक यू सो मच है, बोथ ऑफ यू है, थैंक यू सो मच। आज बलराज आपको भी सेमीफाइनल में एंट्री मिल गई है, तो बचे नवी और सतीश। आप दोनों में से सिर्फ एक आगे जाएगा, लेकिन वो सही वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा कि क्या होने वाला है। गुड नाइट एंड विल सी यू सून। मेरे दिमाग में बस ये आया कि अगर टास्क है तो भी सतीश को अच्छी तरह करना है, अगर वोट आउट है तो मैं भी यही प्रे कर रही हूँ कि सतीश वोट आउट ना हो जाए, बट एज यूजुअल एंड माय हैंड्स आर लाइक दिस। गुड मॉर्निंग रोडीज, गुड मॉर्निंग, तैयार हो जाइए आपके अगले पड़ाव के लिए। पड़ाव के लिए बस बस मैं और सतीश एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं,
कि भाई सभी रोडीज चल ठीक है सेमीफाइनल में है, हम दोनों सेमीफाइनल में नहीं है, तो हम कौन से अगले पड़ाव के लिए जा रहे हैं? हम सभी के सभी अपने टास्क लोकेशन में पहुंचे और वहां पे पहुंचते ही हमने देखा कि टास्क का सेटअप लगा हुआ है, रस्सियां लगी हुई हैं, देयर इज अ बोट और साइड में नदी बह रही है। तो मेरे और नदी हम दोनों देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए यार, यहाँ हमारा टास्क होने वाला और बहुत मजा आएगा। हाय रोडीज, हेलो, आज ये डिसाइड होगा कि आप में से सेमीफाइनल्स में इन चारों के साथ कौन परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन ये डिसाइड होगा कैसे? टास्क? नॉट रियली। गैंग मेंबर्स? नॉट रियली। तो ये डिसाइड कौन करेगा? आज आप दोनों में से कौन आगे जाएगा इसका फैसला करेंगे वो लोग जो आपको यहां तक लेके आए हैं, जिन्होंने आपको गाइड किया है, कभी कभार आपको डांटा भी है, आपको एनकरेज किया है, आपको मोटिवेट किया है, आपके अपने लवली बिलवड गैंग लीडर्स। गैंग लीडर्स सतीश और नवी में से आज आपको मेजॉरिटी से ये डिसाइड करना है कि आगे सेमीफाइनल्स में कौन जाएगा। अगर टाई होता है तो दोनों सेमीफाइनल्स में नहीं जाएंगे। यू हैव टू डिसाइड वन नेम मेजॉरिटी से। कि यार अगर दोनों को दो दो वोट्स आई तो दोनों बार हो जाएंगे। Both of them are very close to us, yeah. मतलब how and universally, if you see the law of any sport, अगर आप tie होता है, each team gets one point or both teams are declared winners. कभी भी tie का law नहीं होता है that tie breaker होता है. Yeah, या फिर tie breaker होता है. You are never at a loss. तो ये बहुत ही गलत rule है. I object. बहुत गलत गेम खेल रहे हैं आप यहाँ पे, ऐसे गेम नहीं खेला जाता। You can't put us in this situation. It's not fair. इतने होनहार रोडीज को इस मुकाम तक लाकर आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अगर टाई होगा तो दोनों में से कोई नहीं जाएगा। This is not how you play this game. परफॉर्म किया उन्होंने, इतना उन्होंने इम्यूनिटी लेकर सर्वाइव किया, वोट आउट से सर्वाइव किया, आपस में जो इनकी जो दोस्त थे उनको वोट आउट किया यहाँ पर पहुंचने के लिए, एंड फाइनली हम लोग भी चूज अगर कर रहे हैं, सबको इक्वल अगर कर दिया, देन देयर शुड बी समथिंग एल्स दैट डिसाइड्स देयर फेट। अपनी गैंग को इम्यूनिटी लाने के लिए अपने हाथ काट लिए, पैर तोड़ लिए, सब कुछ हो गया यहाँ पे, और यहाँ आके आप बोल रहे हैं कि टाई हो जाएगा। हाउ स्टूपिड डज दैट साउंड। You started your dialogue. आपने शुरू किया था, आपके mentors जो आपको यहाँ तक लाए हैं, आपको guide किया है, आपको ये किया है, वो ही आपकी लात मारेंगे और आपको यहाँ से भेज देंगे। It is stupid, yeah. Change it. It's an obvious fact कि दोनों आगे नहीं जा सकते। Of course जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते आगे? Of course जा सकते हैं। This is ridiculous. It is not going to happen. Future of these two boys cannot be decided by 3 out of 1. It cannot be. I'm out of this game. I'm out of this game. Neha, I know you're evidently upset, लेकिन हम आपको सिर्फ ये करने के लिए कह रहे हैं कि आप दोनों का potential देखिए। If both of them come for a job, आप देखिए ना potential, आप यहाँ I'm not a gang leader, मैं कैसे देखूँ उनका potential? I'm not a gang leader, नहीं हाँ, I can't judge between them. Prince, are you okay with it? Got to do what you got to do sometimes, guys. I know it's tough, but you just got to do it. I'm out of this game. From now on, you guys can decide.
प्रिंस, रणविजय, करण, सतीश, दिव्या, हूएवर यू वांट टू टेक, यू कैन टेक. यू हैव योर सेमीफाइनल्स, यू हैव योर फाइनल्स, आई एम आउट. आई नो नेहा, आपके लिए और प्रिंस के लिए दिस डिसीजन इज प्रोबेबली द टफेस्ट डिसीजन टू मेक. It is the stupidest decision. It is not the toughest. This is the stupidest decision to make. Lekin the fact is ki consider this as a vote out. Jo aaj gang members nahi kar rahe, jo aaj aap kar rahe. It's as simple as that. If this is unfair, then every vote out is unfair. It's not, Kaylin. What are you talking? There's nothing I can do about this. आपको चार क्यू कार्ड दिए जाएंगे. अगर आपको क्यू कार्ड पे नाम नहीं लिखना है, that's your choice. We can't really force you to write something down. लेकिन बाकी के गैंग मेंबर्स, अगर आपको ये लगता है that the game is